अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप हजरात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को इसी तरह खुशहाल रखे, आमीन। आज 13 सितंबर 2024 बरोज़ जुमा है। माशाल्लाह मुसलमानों के लिए बहुत खुशी की खबर है दोस्तों। वक्फ तरमीमी बिल को लेकर मुसलमान काफ़ी ज़्यादा परेशान थे और JPC को मिल भी भेज रहे थे और 13 सितंबर 2024 बरोज़ जुमा तक यानी 12 बजे रात तक 14 सितंबर आने से पहले पहले JPC तक मिल भेजने थे। इसीलिए उलमा अइम्मा मुदर्रिस गांव गांव और शहर की गलियों में जाकर मुसलमानों को आगाह कर रहे थे और मेल भेजने के लिए कह रहे थे और मुसलमानों को बतला रहे थे कि खुदा ना खास्ता अगर ये बिल पास हो गया तो हमारी मस्जिदें छिन जाएंगी, हमारे मदरसे छिन जाएंगे, हमारी कब्रस्तानें छिन जाएंगी, हमारी खानकाहें और दरगाहें छिन जाएंगी। मेरे दोस्तों मुसलमान आगे बढ़े और मेल भेजने में मसरूफ़ हो गए, ख़ुद भी मेल भेजे और अपने ऐसे वकारिब रिश्तेदार दोस्तों अहबाब को भी मेल भेजने पर आमादा किए, जिसका रिजल्ट हमारे सामने है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 12 सितंबर बरोज़ जुमेरात शाम 6:04 तक 1,50,24,193 JPC को मेल भेजे जा चुके हैं मुसलमानों की तरफ से। दोस्तों अभी भी हमारे पास मेल भेजने के लिए तकरीबन 8 घंटे बाकी हैं और 8 घंटे का वक्त है, इसलिए मेहनत और जिद्दोजहद जारी रखें और मुसलमानों को मेल भेजने के लिए कहें। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर भरोसा है, यकीन है, एतमाद कामिल है कि मुसलमानों की जीत होगी और मुसलमानों की फतेह होगी। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वक्फ तरमीमी बिल को रिजेक्ट फरमाए और मुसलमानों के हक़ में इसका फ़ैसला फरमाए, आमीन। दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।